सब्सक्राइब करें डब्ल्यू एकेडमी के चैनल को और बेल आइकॉन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। स्वागत है आपका करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में मैं हरियाणा जीके के लिए आपको हरियाणा राज्य का उदय से संबंधित टॉपिक कराऊंगा। इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि हरियाणा राज्य की मांग कैसे उठी और कैसे हरियाणा राज्य का निर्माण हुआ है। तो सबसे पहले हरियाणा राज्य की मांग जो है 1925 में पीर ज्यादा मोहम्मद हुसैन ने उठाई थी। सबसे पहले हरियाणा राज्य की मांग 1925 में उठी और यह है मांग जो है पीर ज्यादा मोहम्मद हुसैन ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की अधिवेशन में उठाई थी और यह अधिवेशन जो है दिल्ली में हुआ था। तो इस अधिवेशन में पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने सबसे पहले यह कहा कि पंजाब से अलग एक नया राज्य हरियाणा बनना चाहिए। तो हरियाणा राज्य की पहली मांग जो है वो आती है पीरजादा मोहम्मद हुसैन द्वारा। हरियाणा राज्य की दूसरी मांग जो है 1932 में उठी। दूसरी मांग 1932 में आती है। ये मांग जो है दीन बंधु गुप्त एक प्रख्यात राष्ट्रवादी नेता थे। दीन बंधु गुप्त इन्होंने 1932 में हरियाणा के हित अलग बताए और पंजाब से अलग मानते हुए हरियाणा राज्य की मांग की थी। इन्होंने हरियाणा राज्य की मांग 1932 में की थी। तो यह भी क्वेश्चन आता है कि किस हरियाणा के व्यक्ति ने हरियाणा की मांग की थी। तो दीन बंधु गुप्त हैं जिन्होंने 1932 में हरियाणा की मांग की थी। फिर आता है 1948 में मास्टर तारा सिंह पंजाब के नेता थे। उन्होंने पंजाब राज्य की या अलग पंजाब राज्य की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि पंजाबी भाषा के लिए अलग राज्य होना चाहिए। तो 1948 में मास्टर तारा सिंह का आता है कि मास्टर तारा सिंह ने अपने न्यूज़पेपर अजीत में पंजाब राज्य की अलग से मांग की थी। फिर आता है जी 1949 जो है हरियाणा के इतिहास के लिए काफी महत्वपूर्ण था। 1949 में पहली बार हरियाणा के लिए सच्चर फॉर्मूला जो है ये लागू हुआ था। सच्चर फॉर्मूला जो है ये हरियाणा के लिए पंजाबी भाषा और हिंदी भाषा के लिए, पंजाबी क्षेत्र में पंजाबी भाषा, हिंदी क्षेत्रों में हिंदी भाषा के लिए एक फॉर्मूला था जिसको सच्चर फॉर्मूला कहते थे। सच्चर फॉर्मूला जो है ये पंजाब के मुख्यमंत्री थे भीमसेन सच्चर, उनकी अध्यक्षता में चला था और ये 1 अक्टूबर 1949 को लागू हुआ था। इससे पश्चिमी पंजाब को पंजाबी में और पूर्वी पंजाब को हरियाणवी या हिंदी क्षेत्र में बांटा गया। पंजाबी क्षेत्र में पंजाबी भाषा और हरियाणा क्षेत्र में या हिंदी क्षेत्रों में हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया था। तो 1949 में आता है सच्चर फॉर्मूला। नेक्स्ट आता है 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ जिसके अध्यक्ष फजल हुसैन थे। तो फजल हुसैन ने हरियाणा और पंजाब के लिए पहले से चले आ रहे फॉर्मूले यानी पंजाबी और हिंदी फॉर्मूले को ही जारी रखा। तो इन्होंने नए राज्य का निर्माण नहीं किया था, नया राज्य नहीं बनाया। राज्य पुनर्गठन आयोग ने यहां राज्य की मांग जो है अधूरी रही। इसके बाद आता है 1965 हरियाणा के निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण था। इस साल 1965 में लोकसभा के स्पीकर थे सरदार हुकम सिंह। तो हुकम सिंह ने हरियाणा के लिए पंजाब विभाजन की मांग रखी थी। तो पंजाब के विभाजन से एक नए राज्य का निर्माण होना था जो हरियाणा था। तो यह क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि किस कमेटी ने तो यह कमेटी आएगी सरदार हुकम सिंह की कमेटी। यह एक संसदीय कमेटी थी
यानी एक पार्लियामेंट्री कमेटी है, संसदीय कमेटी है ये। इस कमेटी के अध्यक्ष थे सरदार हुकम सिंह, स्पीकर थे लोकसभा के। उन्होंने 1965 में ये पहला फॉर्मूला पहली बार दिया कि हरियाणा राज्य का निर्माण होगा। इन्हीं की सिफारिश के आधार पर, यानी सरदार हुकम सिंह की सिफारिश के आधार पर 1966 में हरियाणा का निर्माण हुआ है। और हरियाणा के निर्माण के लिए मार्च 1966 को सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश थे जे सी शाह की अध्यक्षता में, यानी जे सी शाह की अध्यक्षता में एक पंजाब सीमा आयोग, यानी पंजाब बॉर्डर कमीशन था, पंजाब सीमा आयोग का गठन हुआ, जिस कमीशन को जे सी शाह कमीशन कहते हैं। तो जे सी शाह कमीशन ने पंजाब सीमा आयोग की अध्यक्षता की। इस आयोग में कुल 3 सदस्य थे, जैसे पहले आते हैं जे सी शाह, यानी खुद भी इसके मेंबर हैं। दूसरे मेंबर आएंगे एस दत्त, दूसरे सदस्य आते हैं एस दत्त, और तीसरे आते हैं श्री एम एम फिलिप। तो 3 सदस्य थे इसके, जेसी शाह, एस दत्त और फिलिप। याद रखने के लिए फिलिप आ जाता है, दत्त कह सकते हैं, और जेसी शाह, ये 3 थे। इस कमीशन के अध्यक्ष थे जेसी शाह। तो जेसी शाह कमीशन ने पंजाब और हरियाणा राज्य का विभाजन किया, पंजाब और हरियाणा राज्य का विभाजन हुआ, और पंजाब और हरियाणा की सीमा का निर्धारण, यानी हरियाणा और पंजाब की सीमा का निर्धारण जो है जेसी शाह कमीशन ने किया था। तो जेसी शाह कमीशन ने हरियाणा और पंजाब की सीमा का निर्धारण किया। इसके लिए पंजाब पुनर्गठन एक्ट आया, यानी जो कानून था 1966 में, उसका नाम था पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट या पंजाब पुनर्गठन एक्ट, जो 1966 में पास हुआ। ये सितंबर 1966 को पास हुआ था, और इस कानून के आधार पर 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य के रूप में अस्तित्व में आया, यानी हरियाणा राज्य का अस्तित्व जो है 1 नवंबर 1966 को हुआ। इससे पहले सितंबर 1966 को कानून पास हुआ था, और इस कानून के द्वारा हरियाणा को पंजाब से अलग किया गया। पंजाब पश्चिम में था और हरियाणा पूर्व में था। हरियाणा जो है हिंदी भाषाओं के लिए या हिंदी भाषा का एक राज्य था, जो पंजाबी भाषा से अलग हुआ था या पंजाब से अलग हुआ था। तो हरियाणा का जो आधार आता है वो पंजाब आता है। 1966 से पहले हरियाणा जो है पंजाब का भाग था, और 1 नवंबर 1966 को हरियाणा पंजाब से अलग हुआ और एक नए राज्य के रूप में हरियाणा का अस्तित्व आया। हरियाणा निर्माण के समय भारत का 70वां राज्य था, 17th, यानी भारत में 70वें राज्य के रूप में हरियाणा का अस्तित्व आया। और जब नए राज्य का निर्माण हुआ तो पहले राज्यपाल, हरियाणा के पहले राज्यपाल श्री धर्मवीर थे, पहले राज्यपाल थे श्री धर्मवीर, और पहले मुख्यमंत्री थे भगवत दयाल शर्मा। पहले मुख्यमंत्री आते हैं भगवत दयाल शर्मा, और पहले स्पीकर थे श्री शन्नो देवी हरियाणा की पहली स्पीकर या पहली महिला स्पीकर थी। तो 3 क्वेश्चन आते हैं, पहले राज्यपाल धर्मवीर, पहले मुख्यमंत्री श्री भगवत दयाल शर्मा, और पहली स्पीकर शन्नो देवी। क्वेश्चन आता है कि भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के किस जिले से थे? हरियाणा के झज्जर जिले से भगवत दयाल शर्मा जो है हरियाणा के झज्जर जिले से आते हैं, और शन्नो देवी हरियाणा की पहली स्पीकर आती हैं। फिर क्वेश्चन आते हैं, हरियाणा राज्य निर्माण के समय हरियाणा में कुल 7 जिले थे,
यानी 7 जिले आते हैं, 7 जिले थे हरियाणा में, और कुल शुरुआत में 54 सीटें यानी एमएलए की कुल सबसे पहले 54 सीटें थी जिन पर पहली बार चुनाव हुए थे हरियाणा में। विभाजन के बाद हरियाणा में सबसे पहले 54 विधानसभा क्षेत्र थे। फिर आता है पहले चुनाव। पहले चुनाव जो है हरियाणा में 1967 में हुए थे, 1967 में पहले इलेक्शन हुए, और पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री जो है राव वीरेंद्र सिंह जो है ये 1967 में मुख्यमंत्री बने। राव वीरेंद्र सिंह का क्वेश्चन आता है कि इन्होंने विशाल हरियाणा पार्टी की स्थापना की थी। इनकी पार्टी आती है विशाल हरियाणा पार्टी, और ये हरियाणा के रेवाड़ी जिले से संबंधित थे। और राव वीरेंद्र सिंह जो है ये शुरू में यानी 1967 में हरियाणा विधानसभा के स्पीकर भी बने थे। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि पहली निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष या स्पीकर जो हैं राव वीरेंद्र सिंह थे। 1967 में राव वीरेंद्र सिंह जो हैं सीएम भी बने, और उससे पहले वो स्पीकर थे हरियाणा विधानसभा के। तो निर्वाचित स्पीकर आते हैं वो आएंगे राव वीरेंद्र सिंह। बाकी पहली स्पीकर जो है आपको पता है शन्नो देवी थी। फिर क्वेश्चन आ जाते हैं हरियाणा में। आपको पता है हरियाणा में जो हरियाणा का पहला नाम है वो पूर्वी पंजाब यानी पंजाब का पूर्वी भाग था हरियाणा। तो हरियाणा जो है सबसे पहले पूर्वी पंजाब का भाग भी था, और जब पंजाब 1947 में बना तो उसका पूर्वी भाग हरियाणा था। पूर्वी भाग में हिंदी भाषा बोली जाती थी, जबकि पश्चिमी भाग में पंजाबी भाषा बोली जाती थी। पश्चिमी में पंजाबी और पूर्वी में हिंदी भाषा बोली जाती थी। इसके अलावा क्वेश्चन आते हैं हरियाणा के पहले हाईकोर्ट, यानी जब हरियाणा का निर्माण हुआ था 1966 में, तो उस समय इसका हाईकोर्ट जो है पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट था। हाईकोर्ट का नाम पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट आता है। इस हाईकोर्ट का सबसे पहले नाम था लाहौर में, यानी लाहौर हाईकोर्ट के तहत आता था पंजाब उस समय। तो पंजाब और हरियाणा का जो हाईकोर्ट था वो लाहौर हाईकोर्ट था। लाहौर हाईकोर्ट 1919 में स्थापित हुआ था। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो लाहौर हाईकोर्ट से पूर्वी पंजाब का हाईकोर्ट अलग हुआ, और इसको शिमला में स्थानांतरित किया गया। तो पंजाब और हरियाणा का हाईकोर्ट आजादी के बाद यानी 1947 के बाद शिमला चला गया, और 1955 में चंडीगढ़ में नए भवन के निर्माण के साथ ही चंडीगढ़ का नया बिल्डिंग जो बनी, और हाईकोर्ट 1955 में चंडीगढ़ स्थानांतरित हुआ, ट्रांसफर हुआ चंडीगढ़। और 1955 के बाद हाईकोर्ट जो है पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट जो है चंडीगढ़ में ही स्थित है, और वर्तमान में चंडीगढ़ हाईकोर्ट जो है हरियाणा और पंजाब के साथ ये चंडीगढ़ का भी कॉमन हाईकोर्ट है। ये भी नॉर्मली क्वेश्चन आता है हरियाणा पंजाब का कॉमन हाईकोर्ट जो है वो चंडीगढ़ में स्थित है। तो चंडीगढ़ आएगा हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट जो है। चंडीगढ़ ही हरियाणा की राजधानी है, तो यानी कैपिटल पंजाब की और हरियाणा की दोनों की कॉमन कैपिटल जो है चंडीगढ़ है। इसके अलावा चंडीगढ़ यूटी है आपको पता है। तो चंडीगढ़ में पंजाब हरियाणा राज्य और चंडीगढ़ तीनों के मुख्यालय हैं, तीनों कॉमन है, एक ही साथ हैं, और तीनों का कॉमन हाईकोर्ट है। पंजाब की विधानसभा भी चंडीगढ़ में है, पंजाब की विधानसभा चंडीगढ़ आएगी, और हरियाणा की विधानसभा भी चंडीगढ़ में है। हरियाणा की वर्तमान विधानसभा में 90 एमएलए आते हैं जो निर्वाचित हैं, और एक मनोनीत होता है, नॉमिनेटेड एमएलए होता है, जिसको राज्यपाल यानी गवर्नर जो है नॉमिनेट करता है
हरियाणा विधानसभा में। तो कुल हरियाणा में 90 विधानसभा क्षेत्र या 90 एमएलए आते हैं और वर्तमान हरियाणा में 10 एमपी की सीटें आती हैं लोकसभा के लिए, यानी हरियाणा में 10 संसदीय क्षेत्र हैं, सांसद हैं 10 और 5 एमपी, 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं राज्यसभा के लिए हैं। तो कुल हरियाणा से 15 एमपी हैं लोकसभा और राज्यसभा के लिए, 5 राज्यसभा के लिए और 10 लोकसभा के लिए, और 90 टोटल एमएलए हैं जो हरियाणा विधानसभा में बैठते हैं। तो हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री जो हैं मनोहर लाल हैं, मनोहर लाल जो हैं ये हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं और ये 26 अक्टूबर 2014 से लगातार कंटिन्यू हैं, 2019 तक इनका कार्यकाल आएगा। और मनोहर लाल जो हैं ये इनका जन्म रोहतक से हुआ था, रोहतक में इनका जन्म हुआ था और इनका विधानसभा क्षेत्र जो है वो करनाल है, यानी इनका विधानसभा क्षेत्र करनाल में है और इनका जन्म स्थान जिला जो है वो रोहतक आएगा। तो हरियाणा में वर्तमान जो गवर्नर है, यानी हरियाणा के वर्तमान जो राज्यपाल आएंगे वो आएंगे श्री कप्तान सिंह सोलंकी। श्री कप्तान सिंह सोलंकी जो है हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल हैं। पहले राज्यपाल मैंने बताया आपको श्री धर्मवीर थे और वर्तमान आएंगे कप्तान सिंह सोलंकी, जो 2014 से लगातार निरंतर हरियाणा के गवर्नर हैं, लगातार बने हुए हैं। तो ये कैसा लगा लेक्चर आपको हरियाणा जीके के लिए? तो मुझे उम्मीद है कि इससे आपको कुछ क्वेश्चनों की हेल्प जरूर मिलेगी। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।